खाने की वजह से ही शुगर होती है, टोटल गलत बात है। कई लोगों मैंने देखा हुआ है, सर मीठा तो मैं खाता नहीं हूँ फिर भी मुझे डायबिटीज की हुई है। तो मैं आपको आज इस मंच से बता दूं, मीठे का शुगर से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल 0% उसका रिलेशन नहीं है। हम अगेन बता रहे हैं, जैसे मैंने बताया, उसकी उत्पत्ति आपके ब्रेन से हुई है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ने की। ऐसे दुनिया में कई लोग जो बहुत मीठा खाते हैं, क्योंकि मीठे से उसका बिल्कुल कनेक्शन नहीं है। हाँ, डायबिटीज एक, जैसे अगेन एक मिथ मैं आपको बता दूं, जो शायद वेस्टर्न मेडिसिन जिसको बोलते हैं उन्होंने फैला के रखा हुआ है। आज इस मंच से आपको बता दूं कि डायबिटीज में ऐसी कौन सी चीज है जो नुकसान करती है, वो नुकसान करती है ग्लूकोज, राइट। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो हम खाते हैं जिसमें ग्लूकोज है वो हमको नुकसान करता है, लेकिन एक चीज जो हमको फायदा करता है डायबिटीज में वो है फ्रक्टोज या फ्रुक्टोज जिसको कहते हैं। आमतौर पर डॉक्टर्स को आपने देखा होगा बताते हुए कि पेशेंट्स को वो लोग मना करते हैं फ्रूट्स खाने से, कि आप आम मत खाइए, आप फलाना ये फ्रूट मत खाइए, क्योंकि इसमें शुगर बहुत है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप रिसर्च कर सकते हो, गूगल टाइप कर सकते हो, कई सारी यूनिवर्सिटी की आप रिसर्च पेपर्स देख सकते हो। ये बहुत बड़ा मिथ है वेस्टर्न वर्ल्ड ने फैलाया हुआ कि फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, लेकिन यदि आप इसको डिटेल में जाओगे, फ्रक्टोस अगर आपके बॉडी में ज्यादा जाता है, आप देख लेना उसका फैबुलस रिजल्ट्स कि आपकी शुगर लेवल कितनी जल्दी नॉर्मल पे आ जाती है। और फ्रक्टोज सबसे ज्यादा पाया जाता है फ्रूट्स में। आपको जो भी फ्रूट अच्छा लगता है बाउल भर भर के आप खा सकते हो। आपको चाहे बनाना पसंद है, आपको मैंगो पसंद है, आपको ऑरेंज पसंद है, आपको जो भी फ्रूट पसंद आता है, वाटरमेलन हो, मॉर्निंग में एनी फ्रूट यू टेल योर पेशेंट्स मॉर्निंग में आप पेट भर के खाइए। बिल्कुल ये नहीं कि मैंने सिर्फ दो टुकड़ा खाया, ये वेस्टर्न वर्ल्ड ने फैलाया हुआ, क्योंकि फ्रूट्स कंटेन्स फ्रक्टोज एंड फ्रक्टोज इज बिल्कुल डायबिटीज इज अ बंडल ऑफ डिजीजेस। बंडल यानी कि शुगर कभी भी अकेली नहीं आती है। आपने देखा होगा जितने लोगों को शुगर है, सबसे पहला अटैक अगर आपका हाई शुगर लेवल करता है वो आपकी आंखों को अटैक करता है। आपने देखा होगा हर शुगर वाला, उनकी आंखें बड़ी कमजोर हो जाती है। दूसरा आपके हार्ट को कमजोर करना लगता है। तीसरा आपके नसों को कमजोर करता है। जितने भी डायबिटिक हैं उनको हाथ पैरों में सुन होना, झंझनाहट वगैरह जिसको हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। और जितने भी मेल्स, 99% मेल्स सेक्सुअली इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि शुगर लेवल बढ़ी। शुगर लेवल्स अगर बात करूं तो सिर्फ शुगर लेवल अकेली नहीं आती है, अपने साथ बहुत सारी बीमारियों का घर ये लेकर आती है साथ में, स्पेशली सेक्सुअल एक्टिविटी मेल्स की डाउन हो जाती है। तो जितने लोग मुझे सुन रहे आईएमसी वाले, हम लोग हमारे जो प्रोडक्ट्स मैंने डिस्कस किया, अगर आप मेल को ट्रीट कर रहे हो उसको हमारा टोंगेटली या नाइट पावर ये जरूर रेकमेंड करें, और उसको जरूर हिस्ट्री टेकिंग में पूछ लीजिएगा कि उसकी आंखों की क्या पोजीशन है। तो एलो ज्योति प्लस भी आपको रेकमेंड करना पड़ेगा। पहले बताया, अगर आपको अभी तुरंत रिसेंट में पता चला है कि मुझे शुगर लेवल है, 100% ये क्योर हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो 5 साल 10 साल से डायबिटीज से जूझ रहा है, तो उनको मेरी सलाह यही है कि जिस प्रकार हमने आज डिस्कशन किया कि शुगर रातों रात आई नहीं है तो रातों रात जाएगी नहीं, एंड सिंस इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो आपको दवाइयों के साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, आपके खान पान में बहुत सारा बदलाव लाना पड़ेगा, एंड सबसे मेन आपके थॉट प्रोसेस में बदलाव लाना पड़ेगा, यानी कि पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच। ऑटोमेटिकली आप देखोगे ग्रेजुअली धीरे 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 करके आपका शुगर लेवल कंट्रोल में होता जाएगा। और एलोपैथिक मेडिसिन, अगेन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, एलोपैथी मेडिसिन झटके से आपको बंद नहीं करनी, राइट, क्योंकि वो एक ड्रग की तरह हमारे अंदर होती है। जैसे ही हमारे मरीज उसको छोड़ देंगे, जैसे एक ड्रग एडिक्ट को होता है विड्रॉल सिंड्रोम से, विड्रॉल सिम्टम्स उसको भी हो सकता है। कभी भी ये जो दवाइयां हैं हमारी, जब आईएमसी की प्रोडक्ट्स उनको देते हैं, एलोपैथी की मेडिसिंस कभी भी आप अपने मन से उसको विड्रॉ ना करवाएं बिना डॉक्टरी सलाह के। तो फ्रेंड्स, डायबिटीज यकीनन ठीक हो सकती है विद प्रॉपर डाइट मॉडिफिकेशन एंड विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मैं इसको थोड़ा छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा तो आपको सबको क्लियर हो जाएगा, हमारे लिस्नर्स को। मान लेते हैं आपके घर में छत में कहीं लीकेज हो रहा है, छत में लीकेज को रोकने के लिए अगर आपको टेम्पररी उपाय करना है तो आपने जाके एमसील लगा लिया, ठीक है, तो आपने जब लगा लिया एमसील तो वो टेम्पररी रुक गई, दोबारा छत लीकेज हुआ, आपने टेम्पररी लगा लिया एमसील, ये टेम्पररी वाला हिस्सा हमेशा चलता रहेगा। लेकिन अगर आपको उसको परमानेंटली लीकेज को बंद करना है तो आपको किसी अच्छे प्लम्बर को बुला के पूरी छत की सीलिंग को खोल के
तेज कहां से आ रही है वहां पे आपको वार करना है। यही अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ डायबिटीज की। हम जो ये सुन रहे हैं, जैसे आपने पूछा कि डायबिटीज मरते दम तक दवाई खानी है क्या, यस, क्योंकि आप लोग सिर्फ एमसील यूज कर रहे हैं। दवाइयां इज लाइक ए एमसील, डायबिटीज की जितनी भी दवाइयां हैं वो एमसील का काम कर रही है। आपको शुगर दिख रही है, आपने शुगर कम होने की दवा ली है, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि शुगर होने के पीछे कितनी बड़ी वजह रही होगी, कितने प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारे पैनक्रिया में इंसुलिन नहीं बना, उसके बाद हमारी शुगर बढ़ी, राइट? तो इसका जो शुरुआत थी कहीं ना कहीं स्ट्रेस से थी, स्ट्रेस। तो हमने अगर जड़ को नहीं पकड़ा, और एलोपैथी डॉक्टर जितने भी हैं कभी भी जड़ को नहीं पकड़ते, वो लोग को सिखाया नहीं जाता है जड़ पकड़ना, उन लोग को यही सिखाया जाता है कि ये बीमारी में ये दवा देनी है। हम आईएमसी में हम कभी भी ये नहीं देखते कि इस बीमारी में क्या देना है, हम देखते हैं कि उसकी वजह क्या रही है, राइट? यानी कि हम उसके सेलुलर लेवल, उसके रूट लेवल तक जाते हैं। कारण है क्योंकि आज डायबिटीज इंडिया में कैपिटल बन चुका है। आज डायबिटीज की दवाइयों की सेल हजारों मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। डॉक्टर्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो जाए, या फार्मा इंडस्ट्री नहीं चाहेगी, इसीलिए ये लोग हर एक स्टेप ले रहे हैं ताकि लोगों को डायबिटीज की दवा पे डिपेंडेंट बनाया जाए। जबकि अगर आपने प्रॉपर लाइफस्टाइल और अगर इसकी जड़ को पकड़ लिया, हो सकता है आप कॉम्पिटेंट नहीं है जड़ को पकड़ने में, आप किसी अच्छे फिजिशियन को मिलिए, एक अच्छे कंसल्टेंट को मिलिए, वो आपकी मदद करेगा आपकी पूरी जर्नी बताने में कि आपकी शुगर की शुरुआत कहाँ से हुई है, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेगा और विद सम मेडिकेशन, क्योंकि मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहना। और अगर आपने ये सलाह को फॉलो कर लिया, बिलीव मी, डायबिटीज ठीक हो सकती है, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, यही कहना चाहूंगा कि उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही यदि आप चाहते हो कि आपकी टीमों में जो चैलेंजेस आपको फील्ड पर आते हैं, आपको लगता है कि ऐसे क्लिपिंग्स या ऐसे ऑडियो प्रोग्राम आपके बिजनेस को बढ़ाने में काम आता है, तो हमारे आईएमसी रेडियो को आप लिखिए कि आप किन किन बीमारियों को विस्तार पूर्वक सुनना चाहोगे या डिटेल में नॉलेज लेना चाहोगे। मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आज मैं एक मिशन के लिए काम कर रहा हूँ, आप लोगों के बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हर कदम पे चलूंगा। तो इसी आशा के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंच सके और हम इस चैनल के माध्यम से आपके ज्ञान के भंडार को बढ़ा सके। तो थैंक यू दोस्तों, गुड आई एम सी, जय हिंद, वंदे मातरम।